मध्य प्रदेश में पटवारी नियुक्ति पर हुए कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में सड़कों पर आंदोलन कर रही है। जगह जगह NSUI युवा कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं सोमवार को जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद इसराइल के नेतृत्व में कई सैकड़ों बेरोजगार युवाओं एवं छात्रों के साथ थाना तराहे में प्रदेश भर में हुए पटवारी नियुक्ति घोटाले को लेकर धरना प्रदर्शन कर बड़वारा तहसील कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों के बीच हल्की फुल्की झड़प भी हो गई। वहीं भीड़ को काबू में लेने के लिए पुलिस को मजबूरन वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले पर CBI जांच की मांग की है। इसके अलावा बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की समस्याओं के निराकरण कराने की मांग की है। आज जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मजबूरी में हमारे युवा साथी लोग रोड में उतरने के लिए मजबूर हैं कि जो पटवारी की परीक्षा हुई है उसमें घोटाला हुआ है कि जिसमें 15 से 20 लाख रुपए एक पटवारी का से पैसा लेकर चयन कर दिया गया है। जो पढ़े लिखे योग्य लोग हैं उनको किधर किनार कर दिया गया है। तो हमारे युवा साथियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। इसके विरोध में हमारे पूरे बड़वारा विधानसभा से युवा साथी लोग रोड में उतरने के लिए मजबूर हो गए और आज प्रदर्शन किया उन्होंने कि हमारे हक की जो लड़ाई है हम वो लड़ेंगे। जिस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार घोटाले कर रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में उसका घोटालों में गिनीज वर्ल्ड बुक में इसका नाम आ जाएगा। आपको अभी बता दे रहे हैं कि नए नए पटवारी परीक्षा घोटाला शिवराज सरकार ने किया। यहाँ से 15 लाख डालो, यहाँ से पटवारी निकल आएंगे। मतलब सब कुल मिला के मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ छल और कपट शिवराज सिंह सरकार कर रही है। और केवल शिवराज सिंह का दिखाने का दांत कुछ और है, खाने के कुछ और है। हमारी 15 महीने की सरकार में शिवराज सिंह सरकार ने ऐसे ही घोटाले करके अपनी सरकार बना ली। जिस प्रकार वो युवाओं का छल कर रहे हैं, युवा इसका जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश के घोटालेबाज मुख्यमंत्री, जिन्होंने घोटालों का रिकॉर्ड स्थापित किया है, उनके विरोध में युवक कांग्रेस पूरे जिले के प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक ब्लॉकों में आंदोलनरत है, जिसके तारतम्य में आज बड़वारा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बसंत सिंह जी के मार्गदर्शन में युवक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष भाई मोहम्मद इजराइल जी के नेतृत्व में अभिषेक गौतम जी और अन्य हमारे जितने भी साथी हैं, सभी के साथ मिलकर बड़वारा तहसीली का घेराव किया गया। पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक छात्रों पर, युवाओं पर वाटर चार्ज किया गया। हमको हमारी मांगे पूरी होने तक आंदोलन करते रहेंगे हम लगातार। आज हमको उससे रोका गया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार लगातार एक ही बात पे काम कर रही है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो। ये घोटालों की सरकार बन के रह गई है। इनकी जितनी भी योजनाएं हैं जमीन पर, जनता उनका कोई भी फायदा नहीं ले पा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे ये जितने भी लाठी चलाएं, जितने भी डंडे चलाएं, अब इसका कोई असर नहीं होने वाला। आने वाले 3 महीने बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सुशासन वाली सरकार लौट रही है। इनके पूरे घोटालों की जांच होगी। CBI किसे हम जांच की मांग करते हैं, पटवारी परीक्षा की, परीक्षार्थियों की फीस वापसी की मांग करते हैं। लगातार ये झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे बहनों के नाम पर हो, चाहे माताओं के नाम पर हो। हम इनसे कहना चाहते हैं कि यह सियासत भी गजब का काम करती है, यह सियासत भी गजब का काम करती है। छीन लेती है आंखें, फिर चश्मे दान करती है। लगातार युवक कांग्रेस इसको लेके आंदोलनरत रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवक कांग्रेस।